हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अपिला पाटो ने दो दिन पहले अपनी पूरी सेटिंग रिवील कर दी है और लिटरली उसने सेटिंग में हर एक चीज बताई है। ब्लू स्टैक की सेटिंग, अपनी कंप्यूटर की सेटिंग, गैरेज रेट तक बता दिया उसने सेटिंग में। और मैं इंडियन यूट्यूबर जो प्लेयर्स है उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे रिवील करो अपनी सेटिंग। अगर रिवील करते हो तो ऐसे रिवील करो तो किसी को पता चले एग्जैक्टली तुम लोग क्या करते हो, क्या यूज करते हो, कैसे सेटिंग रखते हो। एनीवेज, जो अपिला पाटो का वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा है, ऑलमोस्ट 13 मिनट्स के आसपास है, तो ये वीडियो भी ज्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा उसने क्या रखा है, क्यों रखा है, उसका रीजन आपको बताऊंगा। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हो, जाते हैं अपिला पाटो की सेटिंग वीडियो पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपिला पाटो की वीडियो पे और यहाँ पे सबसे पहले उसने एक ही चीज दिखाई जो कि है रेज एडिट अपना। और यहाँ पे मैं बोल के थक गया हूँ, बट इंडियन सर्वर में रेज एडिट को लोग फेयर नहीं मानते, लोग उसको हैक मांगते, उससे हेडशॉट लगते, ऐसा बोलते हैं। बट अभी फाइनली अपिला पाटो ने भी दिखा दिया कि वो भी रेज एडिट यूज करता है। तो आई होप अभी समझ में आ गया आप लोगों को, एक सेटिंग ही है, जैसे DPI होता है, ब्लू स्टैक के अंदर ट्विक्स की सेटिंग होती है, वैसे एक रेज एडिट एक सेटिंग ही है, उससे कुछ हेडशॉट वेडशॉट इतना फर्क नहीं पड़ता है। Padrão, rapaziada, porque padrão? Porque NFA não aceita que mexe no... आप यहाँ पे अपिला की रेज एडिट की वैल्यू देख सकते हो, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ ये वैल्यू सेट करके, देखते हैं इससे कितना इफेक्ट होता है। तो अगर किसी को नहीं पता तो आप बता देते हैं ये वैल्यूज कहाँ पुट करनी है। सबसे पहले आपको जाना है करंट यूजर में, उसके बाद जाना है कंट्रोल पैनल में, उसको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको माउस का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करना है और वहाँ पे आपको ये वैल्यूज एड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स डुप्लीकेट बने हुए हैं कि मैंने बहुत सारे रेज एडिट इंस्टॉल किए हैं पास्ट में ट्राई करने के लिए, तो उसमें डुप्लीकेट बन जाता है एक एक करके। बट जो दो चार एट्रीब्यूट्स चेंज करने होते हैं जिससे फर्क पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले दो है डबल क्लिक हाइट एंड डबल क्लिक विड्थ, दोनों का वैल्यू 4 होना चाहिए, जो मेरा यहाँ पे 4 या पहला पार्टों की भी 4 थे, तो आप 4 वैल्यू आप डाल सकते हो अगर आपका कोई और वैल्यू है तो। और दूसरे दो है माउस हवर हाइट एंड माउस हवर विड्थ, उनकी भी वैल्यू आपको डबल क्लिक की जो वैल्यू रखी है वही रखनी है, मतलब क्या यहाँ पे 4 रखना है दोनों की वैल्यू, वो वैल्यू भी मेरी सेम है अपिला पाटो की तरह, बस मेरी जो डिफरेंट वैल्यू है माउस हवर टाइम का जो मैंने यहाँ पे 9 रखी है और अपिला पाटो की है 400, तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करना है, उसके ऊपर यहाँ पे वैल्यू का जो ऑप्शन है उसमें 400 टाइप करके ओके कर देना है, उसके बाद रेज एडिट को क्लोज कर देना है, उसके बाद आपको पीसी रिस्टार्ट करना है तभी इफेक्ट होता है, ठीक है। आपको जो भी चेंज करते हो रेज एडिट में उसके बाद आपको पीसी रिस्टार्ट करना होता है तभी आपको चेंज दिखता है। तो पीसी रिस्टार्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं दूसरी सेटिंग पे। तो फर्स्ट उसने दिखाई थी माउस सेटिंग, यहाँ पे आपको माउस टाइप करके माउस सेटिंग के अंदर जाना है, वहाँ पे एडिशनल माउस के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे आपको पॉइंटर स्पीड पे जो है चेंज कर लेना है वैल्यूज। उसके बाद सेकंड जो है वो कीबोर्ड सेटिंग, तो आपको कीबोर्ड टाइप करना है, यहाँ पे सेटिंग के अंदर कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ओपन करना है, वहाँ पे भी आपको वैल्यूज जो है वो चेंज कर लेनी है। Beleza, meus guri. Alterar configurações. Eu deixo o sistema avançado, vocês testem aí. Eu desativo essa opção aqui, ó, galerinha. Nexada. नेक्स्ट जो अपिला ने चेंज किया वो अपनी इम्यूलेटर की सेटिंग, वो MSI पे खेलता है उसलिए MSI पे उसने चेंज किया। अगर आप ब्लू स्टैक पे खेलते हो तो भी आपको सेम चीज करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आइकॉन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है, वहाँ पे कंपेटेबिलिटी पे जाना है, वहाँ पे आपको चेंज ऑल यूजर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको चेंज हाई DPI का ऑप्शन मिलेगा और इसको अगर टिक नहीं किया तो टिक कर लेना, उसके बाद सिस्टम एनहांस वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना और जो लास्ट में एडवांस स्केलिंग वाला ऑप्शन है उसको ऑफ कर लेना अगर ऑन है तो। उसके बाद यहाँ पे अपिला अपनी इम्यूलेटर के अंदर की सेटिंग दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो रिजोल्यूशन और DPI है वो 320 है, मतलब अपिला ने अपना MSI और ब्लू स्टैक जो है वो रूट नहीं किया है, 320 तक ऐसे ही रूट के बिना बढ़ जाती है। और दूसरी सारी सेटिंग आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा कर दिया टाइम बचाने के लिए। फाइनली आप लोग यहाँ पे अपिला पाटो के XNY देख सकते हो जो कि बहुत 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 कम है, X है 0.51 और Y है 0.2, भाई इससे कम मैंने Y किसी की नहीं देखी, इससे ज्यादा लो सेंसी मैंने किसी की नहीं देखी आज तक। और जो उसकी ट्वीक्स है वो है डिफॉल्ट, बट वो बंदा बोल रहा है कि 21,058 जो ट्वीक्स है वो भी बहुत बढ़िया है, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। अगर आपने मेरी सेटिंग वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं वही ट्वीक्स यूज करता हूँ, बट अपिला ये बोल रहा है कि माउस तक मेरा डिफॉल्ट इसमें कम होता है तो मैं वही यूज करता हूँ। और माउस सेटिंग की बात करें तो सबसे पहले उसका जो माउस है वो बहुत ज्यादा महंगा है, मेरा भी रेजर का ही माउस है बट उसका जो माउस है वो ज्यादा टॉप एंड है। और अपिला की जो माउस DPI है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो दो DPI यूज करता है 700 और 900, डिपेंडिंग ऑन द रेंज के बंदा कितना दूर है या फिर नजदीक है उस हिसाब से वो माउस का जो बटन होता है उससे DPI आप लोग चेंज कर सकते हो। तो इन गेम में वो DPI चेंज कर लेता है जितना दूर बंदा होता है। यहाँ पे आप लोग बॉटम राइट पे देख सकते हो उसने 700 DPI कर दिया है क्योंकि अभी स्पॉन से निकले तो बंदे बहुत दूर होंगे और उसको मारना है डीगल से वन टैप।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी लॉन्ग रेंज में उसने वन टैप मारा है डीगल का, वो भी दो बैक टू बैक। यहाँ पे आप लोग दूसरी क्लिप देख सकते हो, यहाँ पे भी बंदे दूर है तो उसने 700 डीपीआई कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बिल्कुल नो रिकॉल की तरह हेडशॉट लग रहे हैं इतनी लॉन्ग रेंज में भी। और यही चीज वो ट्रेनिंग में भी दिखा रहा है कि जैसे ही बंदा नजदीक आता है वो 700 से डायरेक्ट 900 डीपीआई कर लेता है, तो लॉन्ग रेंज में या फिर शॉर्ट रेंज में दोनों में वो हेड आराम से मार सकता है। और अभी ये यही बता रहा है कि माउस डीपीआई गेम के दौरान वो कैसे चेंज करता है। जो भी महंगे माउस होते हैं उसमें डीपीआई चेंज करने का डेडिकेटेड बटन होता है। और यहाँ पे आप लोग उसका हैंड गेम देख सकते हो कितना ज्यादा माउस मूव करता है, मतलब इनसेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट है उसकी माउस की। और उसका जो माउस पैड है वो भी बहुत लार्ज है। बहुत सारे लोगों के टेबल पे तो इतनी जगह ही नहीं होती कि इतना माउस मूव कर सके वो लोग। अगर मैं मेरा माउस का हैंड गेम रखूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा माउस मूव हो रहा है या फिर नहीं, मैं इतना ज्यादा कम माउस मूव करता हूँ। तो जो भी हाई सेंसी वाले प्लेयर है वो मुझसे रिलेट करेंगे कि वो बिल्कुल माउस मूव नहीं करते हैं। बट फिर भी आपको एक आइडिया देने के लिए मैं एक्स एंड वाई जो अपेला पार्टो की है वो मैं लगाने वाला हूँ, और उसके बाद खेलने वाला आपको दिखाता हूँ मेरे में कितना डिफरेंस है, मेरे को कितनी डिफिकल्टी होती है माउस मूव करने में या फिर स्क्रीन मूव करने में। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, और सबसे पहले मैं आपको मेरी सेटिंग जो अभी करंटली है जिससे मैं हेडशॉट मारता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें कैसे हेडशॉट लगते हैं और कितनी हाई सेंसी है। अभी मैं जो रेंज पे खेल रहा हूँ मैं इतने रेंज में नॉर्मली खेलता हूँ, एकदम मुंह पे या फिर क्लोज रेंज में जाके फाइट लेना पसंद करता हूँ। तो मुझे ऐसी सेंसी चाहिए जो इतने नजदीक में भी हेडशॉट दे दे आराम से, और ये चीज सिर्फ हाई सेंसी में ही पॉसिबल है। आप लोग यहाँ पे एकदम मुंह पे आके हेडशॉट मार सकते हो मूवमेंट के साथ, तो ये आप हाई सेंसी का एक एडवांटेज बोल सकते हो। बट इसका डिसएडवांटेज भी वही है कि लॉन्ग रेंज में आपसे कनेक्ट नहीं होगा इजीली हेडशॉट। तो आपने मेरी सेंसी तो देख ही ली हो, अभी आप लोग कंपेयर करते हैं कि अपेला की सेंसी मेरे से कितनी लो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स एंड वाई अपेला की जो थी वही, और यहाँ पे चेंज करते वक्त भी मेरे को बहुत फनी लग रहा है कि यार मैं कैसे खेलूंगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मेरी जो एक्स एंड वाई है वो दोनों 2 above है, 2.5 2.1 है, और अपेला की जो है वो 1 भी नहीं है, उसकी 0.5 है, और जो एक्स है वो तो उससे भी कम है, 0.2 है। तो मेरे से तो माउस मूव होने नहीं वाला, स्क्रीन भी नहीं मूव होने वाला, फिर भी देखते चलो कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरे को कैमरा 360 मूव करने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, 2-3 बार माउस ड्रैग कर रहा हूँ तब जाके 360 मूव हो रहा है। और अभी हम लोग ड्रैग चेक कर लेते हैं 0.2 में कैसे ड्रैग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग के बॉडी शॉट पड़ रहे हैं, मैं पूरा माउस मूव कर रहा हूँ बहुत फोर्स से, फिर भी यहाँ पे हेडशॉट नहीं पड़ रहे, बहुत कम जाके हेडशॉट पड़ रहे हैं। और ये तो मैं अभी मीडियम रेंज पे खेल रहा हूँ, उसमें भी हेडशॉट नहीं लग रहे, उसमें भी ड्रैग नहीं हो रहा। अगर मैं पहले जो शॉर्ट रेंज में खेलता था उसी में खेलूं तो यहाँ पे बिल्कुल हेडशॉट नहीं लगेगा मेरे को, 100% कंफर्म है वो बात। तो इन कंक्लूजन यहाँ पे जो अपेला पार्टो की सेंसिटिविटी है वो हाई सेंसी प्लेयर्स के लिए बिल्कुल बकवास है, यूजलेस है, आप लोग बिल्कुल यूज नहीं कर सकते ये। हाँ, ये लो सेंसी प्लेयर्स के लिए बहुत ही बढ़िया, जो ड्रैग इतना नहीं करते, एक्यूरेसी के लिए खेलते, मूवमेंट इतना नहीं करते और लॉन्ग रेंज में फाइट करना पसंद करते, डीगल से वन टैप, वुड पैकर से वन टैप, वो इस सेंसी में बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे जैसे अपेला पार्टो मारता है। और अगर आप एक हाई सेंसी प्लेयर हो, आपको सेटिंग चाहिए, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने सेटिंग जो रिवील की थी, मैं खुद भी हाई सेंसी पे खेलता हूं, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। वो वीडियो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्लिक करो, जाके चेकआउट करो और वो सेंसी यूज करके एक बार ट्राई करो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।